नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप किसी भी जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए। एक डिज़ाइन 12 फंदे में सेट हुआ है, ऐसे 12 फंदे का ये डिज़ाइन, 12 12 इस तरह करके 12 के मल्टीपल फंदों में ये डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने 24 फंदे डाले हैं, इसमें 2 डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो पहली लाइन में हम 4 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4। उन दूसरी ओर 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा, 8 फंदे सीधे। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और प्रत्येक उल्टी तरफ, यानी प्रत्येक रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। जो सीधा है उसे भी उल्टा, जो उल्टा है उसे भी उल्टा। पूरी लाइन हमें पीछे की तरफ से, हर लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। हमारा डिजाइन सिर्फ सामने की तरफ से बनेगा। तीसरी लाइन और सामने से, तो जो फंदा उल्टा दिखाई, 4 फंदे उल्टे और 8 फंदा सीधा, यानी हमारा पहला लाइन। चार फंदे उल्टे, 8 फंदा सीधा, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन और सामने से, तो पांचवी लाइन में भी 4 फंदे उल्टे और 8 फंदा सीधा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा लाइन एक जैसा बनाया जाएगा। जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो 6 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सातवीं लाइन और सामने से, तो 4 फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है, तो एक तीसरी सिलाई की आवश्यकता होगी। अब क्या करेंगे कि इन 8 फंदों को हम 2 हिस्से में बांटेंगे। 4 फंदे को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, 4 फंदे को लिया। अब नेक्स्ट, जो लास्ट के 4 फंदे हैं उसे हम तीसरी सिलाई पे ऐसे उतार लेंगे। ये सिलाई भी उसी नंबर का होना चाहिए जिस नंबर से हम बुनाई कर रहे हैं। अब इसको साइड में कर दीजिए और ये पहले वाले 4 फंदे बाईं सिलाई में उतार लीजिए, 1 2 3 4। और अब ये जो तीसरी सिलाई में हमने फंदे उतारे थे उसको वापस बाईं सिलाई में कर लेंगे। इस तरह करने से हमें फंदे गिरने का डर नहीं रहेगा और आसानी से डिज़ाइन बन जाएगा। अब इन 8 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे।
दो सिलाई में भी हम कर सकते हैं, लेकिन फंदे गिरने का डर रहता है। इस तरह तीसरी सिलाई इस्तेमाल करने से काम आसान हो जाएगा और फंदे गिरने का डर खत्म हो जाएगा। अब चार फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर आठ सीधे फंदे आ गए, तो हमें इनका जगह बदलना है। चार फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और इन चार फंदों को हम तीसरी सिलाई पे उतार लेंगे। तीसरी सिलाई पे उतार लिया, अब इसे हम साइड में कर लेंगे। पहले वाले चार फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और अब ये तीसरी सिलाई वाले फंदे भी बाएं सिलाई में ले लेंगे। अब इन आठ फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तीसरी सिलाई का हमें बस इतना ही काम है, फंदों को हमें इधर उधर करने में। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और सामने से अब क्या करेंगे कि पहले हम आठ फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, ये उल्टे वाले फंदे भी सीधे हो जाएंगे और यहाँ से भी चार फंदे ले लेंगे। आठ फंदा सीधा और ये वाले चार फंदे इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी इन्हीं बारह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब ये चार फंदे जो थे उल्टे वाले, अब ये सीधे हो जाएंगे। और लास्ट वाले चार फंदे इसे हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवीं लाइन और सामने से आठ फंदा सीधा चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा, यानी हमारा नवा लाइन। तो ग्यारहवां लाइन भी नवे लाइन की तरह ही बुना जाएगा, आठ फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तेरहवीं लाइन भी ग्यारहवीं लाइन, तेरहवीं लाइन भी नवी लाइन और ग्यारहवीं लाइन की तरह ही बुना जाएगा, यानी आठ फंदे सीधे और चार फंदा उल्टा। आठ फंदे सीधे और चार फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पंद्रहवां लाइन और सामने से, अब पंद्रहवां लाइन हमारा मेन लाइन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन आठ फंदों को हमें जगह बदलना है। तो चार फंदे को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब पीछे वाले चार फंदों को हम तीसरी सिलाई में ले लेंगे। दो हिस्से में करने के बाद पीछे वाले चार फंदों को हम तीसरी सिलाई में लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये जब एक बार इस साइड में आया है तो अब ये वाला फंदा यानी शुरुआत के चार फंदे अब पहले ऐसे ऊपर की तरफ से जाएंगे। तो चार फंदों को हमने बाएं सिलाई में ले लिया और पीछे वाले चार फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से, देखिए पीछे की तरफ से ऐसे हम लाएंगे और बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब इन आठ फंदों को सीधा बुन लेंगे।
और ये वाले चार फंदे ये उल्टे ही बुने जाएंगे। अब देखिए फिर हमारे आठ सीधे फंदे आ गए, उन दूसरी ओर करेंगे। चार फंदों को हम इन आठ फंदों को हम दो हिस्से में करेंगे। चार फंदे को बाएं सिलाई में लिया और ये देखिए पीछे वाले चार फंदे को हम तीसरी सिलाई में ऐसे उतार लेंगे। तीसरी सिलाई में लिया, अब ये पहले वाले चार फंदे को हम बाएं सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और ये जो तीसरी सिलाई वाले फंदे हैं देखिए ये पीछे की तरफ से घूम के आएंगे और इसे बाएं सिलाई में ऐसे चढ़ा देंगे। तीसरी सिलाई लेने से हमें ये फायदा है कि फंदे गिरेंगे नहीं और डिजाइन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अब इन आठ फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और चार फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर यहाँ से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि चार फंदे उल्टे। और ये चार फंदे डिजाइन के जो चार फंदे थे ये चार फंदे और ये उल्टे वाले चार फंदे अब सीधे हो जाएंगे। तो इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पहले चार फंदे उल्टे, और 12 फंदे सॉरी 8 फंदे सीधे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब फिर ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आठ फंदे चार फंदे उल्टे, आठ फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, आठ फंदे सीधे, इस तरह। तो 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, 12 फंदों का और 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इस तरह ये ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे या सब में अच्छा रहेगा। तो आशा है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।